लव यू बाय। और दोस्त क्या हाल है, मौज है पूरी? देखो कैसे मजे से बैठ के खा रहा है, खा लो खा लो। देखो पीछे क्या आया हुआ है, देखो ये देखो क्या आया हुआ है, ये पता है कहाँ से आया है? चलो बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और अपने इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज एक स्पेशल गिफ्ट आया हुआ है और हमारे किसी सब्सक्राइबर फैमिली ने भेजा है, तो इसको हम यहाँ ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें है बेसिकली है क्या। और लेकिन आप लोग गाइस सच में बहुत ही अच्छे हो, मैं क्या बोलूँ, मतलब आप लोग ऐसा काम करते हो कि दिल जीत लेते हो कसम से कई बार तो। और इसको अभी तक मैंने ओपन तो एक बार कर लिया था, देख लिया था, लेकिन फिर से मैंने इसको रैप कर दिया है, बंद कर दिया है। और अब इसको मैं आप लोगों के सामने खोलूँगा, अनरैप करूँगा, ताकि मैं दिखा सकूँ कि बेसिकली क्या आया हुआ है और ये क्या है बेसिकली। तो आज यही देखते हैं, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, चलो देखते हैं। तो आओ अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। वैसे मुझे लगता है इसको शेप को देख के आपको कुछ आइडिया तो लग ही गया होगा कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन जिन्होंने भी ये भेजा है उन्होंने बड़े ही अच्छे से ढंग से पैक करके भेजा था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन क्यों भेजा ये नहीं पता, शायद उन्होंने देखा होगा कि मेरे को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मे बी। तो ये देखो, ये यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये है गिटार का छोटा भाई, इसको बोलते हैं उकुलेले, और बहुत प्यारा सा पीस है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये उन्होंने भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में, साउंड भी ठीक ठाक है, अच्छा है, ट्यून नहीं है अभी ये, शायद इसको ट्यून करना पड़ेगा मेरे को इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये बजाने नहीं आता है। तो मैंने कुछ लेसन्स तो सीखे थे गिटार के बहुत शुरुआत में, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने एज सच इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो नहीं ली है। इसके साथ इसका ट्यूनर भी दिया हुआ है ट्यूनिंग के लिए। तो ये देखो यहाँ पे ये है, आई थिंक जिनको आता होगा उनको समझ में आएगा बेसिकली ये किस तरह से काम करता है। ये है ट्यूनिंग के लिए, इसको हम यहाँ पर, इसमें बैटरी लगती है छोटी सी, ये देखो ये बैटरी है यहाँ पर, इस बैटरी को इसमें लगाते हैं, सब नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बैटरी इसके अंदर फिक्स कर दिया है, और यहाँ से देखो ये बैटरी अंदर लगती है, तो लाइट्स भी जल रही हैं इसमें, इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो इस तरह से ये बंद हो गया है। और इसके बाद इसको प्लग करना है कहीं पर भी, आप प्लग कर सकते हो उसको इस तरीके से जहाँ से आपको वैल्यूज़ दिखाई दें, और इसमें इस तरह से डिजिटली वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ पे देखो देखो इस तरह से, ये जी है, एफ, सी, तो इस तरह से इसको मैं यहाँ पे प्लग कर देता हूँ ताकि ये तारों को टच ना करे, इस तरह से करना है इसको। और फिर यहाँ से मैं कुछ भी जब प्ले करूँगा तो वो बताएगा कि कौन सा है ये। ये देखो ये जी है, फिर वो वैसे ही साउंड करेगा तो। ये सही है, राइट है, जी आ गया, जी डी ई ए, ठीक है, जिराफ डजंट ईट एनिमल्स। तो अब हम इसको करेंगे ट्यून। तो बेसिकली ये इस तरह से पैटर्न है इसमें, जैसे अभी मैंने, मेरी वाइफ ने मुझे बताया, दिस इज जी, जिराफ डजंट ईट एनिमल, तो जी डी ई एंड दिस वन इज ए, लास्ट वन, तो जी डी ई ए। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली कॉर्ड है इसको यहाँ से जी पे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, तो देखो जी है, हो गया है देखो, ठीक है, उसके बाद डी, तो ये डी नहीं है, तो इसको डी के लिए अपन को क्या करना है, सी आ रहा है, ठीक है,
स्पैगेटी। देखो डी हो गया ये। तो इसी तरह से इसको पूरे को अपन ट्यून कर लेते हैं और ट्यून करने के बाद हम इसको प्ले करते हैं। मुझे प्ले करना नहीं आता है इतने अच्छे से, कुछ बेसिक ट्यून्स मुझे आती हैं, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं आता है। मैं इसको सीखूंगा, कोशिश करूंगा, जब किसी ने मुझे इतने प्यार से भेजा है आप लोगों ने, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा इसको सीखने की। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्रीशियस गिफ्ट, और मैं ट्राई ज़रूर करूंगा। म्यूज़िक भी मेरा बहुत बड़ा लव है, तो मैं म्यूज़िक भी सीखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ड्रॉअर में जो है वो फ्लूट पड़ी है आपके, वो उन्होंने देखा था, हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया था। बिल्कुल फ्लूट पड़ी हुई है और मैंने फ्लूट को कुछ हद तक सीखा भी है, लेकिन नॉट इन अ प्रो वे। कुछ ट्यून्स मुझे आती हैं, कुछ सरगम मुझे आती है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई थी। बहुत सारी फ्लूट थी भी मेरे पास, जिसमें से कुछ माधव के पास है अभी, कुछ मेरे पास है। एक फ्लूट इसमें जो पड़ी हुई है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये थी वो फ्लूट जो उस दिन हमने देखी थी। ये तो बहुत बेसिक फ्लूट है, ए फ्लूट है ये। इसी तरह से मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके की फ्लूट्स हैं, अलग अलग ट्यून की फ्लूट हैं। जी है मेरे पास, एंड डबल एफ है, ए है और बी है। तो ये चार पांच फ्लूट्स हैं मेरे पास टोटल। तो मैं म्यूज़िक में भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, फ्लूट में भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। हारमोनियम बजाना मुझे अच्छे से आता है, काफ़ी अच्छा से कोशिश कर लेता हूँ करने की, और काफ़ी अच्छे से कोशिश कर लेता हूँ हारमोनियम बजाने की। तो ये गिफ्ट जो आपने भेजा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आर्ट मैं बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने एक्रेलिक कलर पे आपको बोल तो दिया है करने का, लेकिन मैं करूँ क्या वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताइए फ्रेंड्स कि आप कैसी ड्राइंग देना चाहते हैं। मेरा मन है एक्रेलिक में मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट कुछ करूँ, आपको कैसा लगता है, कंटेम्प्रेरी में मज़ा आएगा या फिर कुछ अलग करने की कोशिश की जाए, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। अभी फ़िलहाल इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।